मुंबई में राहुल गांधी की 6000 किलोमीटर से लंबी भारत जोड़ो नया यात्रा खत्म हो गई है और समापन के मौके पर इंडिया गठबंधन के नेताओं का मंच पर जमावड़ा दिखा। राहुल समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने मंच का इस्तेमाल मोदी पर हमले के लिए किया। सवाल है कि क्या राहुल और साथी नेताओं की हुंकार मोदी के 400 पार के नारे पर भारी पड़ेगी। देखिए आज की रिपोर्ट। राहुल गांधी की 6000 किलोमीटर से भी लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में समापन हो गया। संयोग देखिए कि 16 मार्च को देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का शंखनाद हुआ और उसी दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंत हुआ। यात्रा की समाप्ति के एक दिन बाद ही मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी मैदान में इंडिया गठबंधन के नेताओं की साझा रैली हुई। चुनावी प्रचार का जोर शोर से बिगुल बजा। राहुल ने भाषण दिया, खड़गे बोले, तेजस्वी ने ताल ठोकी, महबूबा का संबोधन हुआ, उद्धव गर्जे, शरद पवार ने पावर दिखाई, फारूक फड़के, स्टालिन आए, चंपाई भी बोले। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने मुंबई में मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक पद यात्रा निकाली। यात्रा में राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। मुंबई के शिवाजी पार्क में विपक्षी नेताओं का बड़ा सा मंच पहले से तैयार था। हालांकि मौका राहुल गांधी की यात्रा के आधिकारिक समापन पर औपचारिक सम्मेलन का था, लेकिन मंच पर विपक्षी ताकत का वो चेहरा दिखा जो अगले महीने से शुरू होने वाले चुनाव में मोदी और एनडीए गठबंधन को टक्कर देने वाला है। यूं तो मंच पर कश्मीर से कन्याकुमारी और बिहार से महाराष्ट्र तक के नेता मौजूद थे, लेकिन मोदी के खिलाफ असल मोर्चा संभाला राहुल गांधी ने। राहुल ने अपने संबोधन में न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का सीधे सीधे नाम लेकर हमला बोला बल्कि उनके नियत और नीतियों पर भी निशाना साधा। राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया, अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है, कहता है राहुल जी आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला। मैं आपको समझाता हूं, यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा सीधा एक्सटॉर्शन, ईडी सीबीआई भेज देंगे, जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया, सीधा एक्सटॉर्शन। मुंबई के मंच से विपक्षी नेताओं ने अपने अपने संबोधन में बीजेपी और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भरा, वादा दोहराया, प्रण किया। शरद पवार ने बीजेपी से मुक्ति का नारा दिया। महबूबा ने कहा कि राहुल के नाम में गांधी है इसलिए मोदी उनसे डरते हैं। तेजस्वी बोले, हमारी लड़ाई उनसे है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। स्टालिन ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा देश को फिर से स्थापित करने की यात्रा है। 14 जनवरी को राहुल ने मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी और 2 महीने के बाद मुंबई में इसे खत्म किया। बार बार कहा कि यात्रा का मकसद सियासी नहीं था, लेकिन बीजेपी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है ये सुनना भी जरूरी है। नीतीश कुमार जी, ममता जी और कई उनके एनडीए अलायंस के साथी बिछड़ गए, तो ये न्याय यात्रा नहीं कहलाएगी बल्कि ये याद किया जाएगा कि इसमें जब वो यात्रा शुरू की तब जो साथी थे उनके, वो बिछड़े हुए उनसे अलग हो गए और वो तन्हा तन्हा रह गए। राहुल ने यात्रा खत्म कर दी है और मोदी पर सीधा वार शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है पलटवार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी होगा।
लेकिन मुंबई के शिवाजी पार्क में सजे मंच से जिस तरीके से विपक्ष ने आवाज बुलंद की है, तय है कि लोकसभा का चुनाव जानदार और धारदार होने वाला है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।